हे दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है थर्ड पार्ट में एफिलिएट मार्केटिंग की सीरीज जो चल रही है हमारी इस चैनल पे। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपने दो वीडियोस मिस कर दी है, तो मेक श्योर आप पीछे जाके दो वीडियो जरूर देखो, बट अभी इस वीडियो को कंप्लीट करो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट रिसर्च के ऊपर में। ट्रस्ट मी, आपको 99.9% एफिलिएट मार्केटर मार्केट रिसर्च के बारे में बताएंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे। बट ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा बोल सकते हो लेवल है और सीक्वेंस ऑफ डूइंग सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग है, जहां पर अगर आप थोड़ी सी भी भूल करते हो तो आप बहुत सारे पैसे, सेल्स और ओवरऑल आप एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर नहीं बन सकते, मतलब कि ज्यादा सामानों को एफिलिएट नहीं कर सकते। बिकॉज मार्केट रिसर्च अगर आप सही से नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, आप बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सेल ऑन द टेबल लूज करोगे। तो आज की वीडियो में मैं मार्केट रिसर्च के ऊपर बात करने वाला हूं, और उससे पहले मैं एक चीज समझाता हूं। इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से चीजों को समझना और लिखकर भी समझना, अगर ऐसे समझना है तो, राइट। अब क्यों मार्केट रिसर्च और कैसे करते हैं वो तो मैं बताऊंगा स्क्रीन पे ले जाके, बट उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और नए मेहमानों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप ये दोनों काम जरूर कर लें, बिकॉज यहां पर आपको मिलती है ऐसी तड़कती फड़कती वीडियो जो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देती है और बहुत ज्यादा आप उसे पैसे कमा सकते हो। तो मेक श्योर ये काम आप जरूर करो, लेट्स गो। सो गाइस, जो आज हम लोगों का लाइक एम है वो है 200। अगर आपने कल तक 200 लाइक कंप्लीट कर दिया, ट्रस्ट मी, आपको कल की कल वीडियो मिल जाएगी, इसका चौथा पार्ट आ जाएगा। और आज की वीडियो में एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो प्रो एफिलिएट मार्केटर्स करते हैं और आप समझ भी नहीं सकते कि कितना बड़ा बिजनेस आप डेवलप कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग से, अगर आप सही से इसको मार्केट पे रिसर्च करते हो, अपने मार्केट पे जो भी आपका मार्केट है, मतलब कि जो भी आपका नीश है उसके ऊपर, इसलिए बोल रहा हूँ जो भी आपका मार्केट है, तो आप जो भी आपका मार्केट है उस पर अगर सही से रिसर्च करते हो, मार्केट रिसर्च करते हो, सो यू कैन मेक दिस लार्ज, बहुत बड़ा बना सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग को, वो मैं आज अभी बताने वाला हूँ आपको। तो अब हम सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे और समझेंगे ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। कम ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन। सो गाइस, सबसे पहले समझते हैं व्हाई आई टोल्ड यू टू डू मार्केट रिसर्च। मैंने क्यों कहा है आपको मार्केट रिसर्च करने के लिए? देखो, अब होता यह है कि हम कोई सा भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं पागलों की तरह एंड उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उसमें हमको पता नहीं रहता उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, हमको पता नहीं रहता वो मतलब प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, उसका कंपटीशन लेवल क्या है, क्या उस प्रोडक्ट पे पहले से ट्रैफिक आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। बस हम लोग देखते हैं कि ये प्रोडक्ट का कमीशन अच्छा है एंड वी स्टार्टेड प्रमोटिंग, राइट, या तो कोई हमें इंट्रोड्यूस करा देता है एंड वी स्टार्टेड प्रमोटिंग। तो इससे होता ये कि हम बहुत सारा टाइम, पैसा और बहुत सारी चीजें लूज कर देते हैं एट अ टाइम इन अ सिंगल प्रोडक्ट। इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने अपने कोर्स में, जो लोग मेरे कोर्स में होंगे, मैंने कहा भी है कि आप एट अ टाइम वन प्रोडक्ट को ट्राई करो बट और भी प्रोडक्ट अपने साथ रखो, बिकॉज अगर आपका एक प्रोडक्ट काम नहीं करता है तो उसी टाइम आप दूसरे प्रोडक्ट के साथ भी मार्केट में आ सकते हो, राइट। इसका मतलब अगर आपको सही से नहीं समझ में आ रहा होगा तो हो सकता है आप मेरे कोर्स में नहीं होगे, अगर होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। By the way, आप मेरा कोर्स चेक कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हो, ओके? तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझना जरूरी है, पहली ये चीज। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड अबाउट योर प्रोडक्ट, राइट, अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिख देते हैं, अंडरस्टैंड अबाउट योर प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड अबाउट योर प्रोडक्ट, ओके, अंडरस्टैंड अबाउट योर प्रोडक्ट फर्स्ट। दूसरा देखो, अब आपको मार्केट में क्या देखना है, नीड, क्या मार्केट में किसी प्रोडक्ट की नीड है। मान लो आपका नीश है मेक मनी ऑनलाइन, राइट, तो अब आपको नीड कैसे पता करनी है, वो चीज मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत ही सही से सिखा रहा हूँ, अच्छे से सिखा रहा हूँ, चीजों को समझो और वैसे ही करके आप काम करना। अब मान लो मैं इस प्रोडक्ट, सो गाइस यू कैन सी कि मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ, राइट, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, तो मैं इस प्रोडक्ट को क्यों प्रमोट करता हूँ। अब इसकी नीड क्या है, ये चीज देखो, पहले देखो अंडरस्टैंड अबाउट योर प्रोडक्ट। अब अंडरस्टैंड अबाउट योर प्रोडक्ट, तो मैं इसके बारे में पूरा भाई सही से समझता हूँ बिकॉज मैं इस प्रोडक्ट को खुद यूज कर रहा हूँ, राइट। अब देखो, मैं इसका ऑटो रिस्पॉन्डर बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, जिसपे पूरे मेल्स ऑटोमेशन पे जाते हैं, मेल्स सेव होते हैं एंड ऑल द थिंग्स, यू नो ऑलरेडी आई थिंक, अगर आप मेरे चैनल पे हो तो। उसके बाद मैं इसके बहुत सारे और भी टूल्स यूज करता हूँ, लाइक सोशल प्रूफ,
और वेबसाइट बिल्डर, फनल बिल्डर, राइट, वेबिनार होस्टिंग, वीडियो होस्टिंग, ये वेबिनार वाला, वर्डप्रेस इंटीग्रेशन भी इसमें है। तो ये सारे जो है वीडियो टैग्स, ये मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, जो आपको सामने दिख रहा है, राइट। इसमें बहुत ज्यादा टूल्स हैं, 29 से भी ज्यादा टूल है। तो इसको कहा जाता है इन वन डिजिटल मार्केटिंग टूल, राइट। तो अब ये क्या है, मुझे हर वो टूल प्रोवाइड कर देता है लेस देन $70, राइट। अब ऐसे ही मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिनकी कीमत 300 है, लाइक क्लिक हो गया, क्लिक फनल, यू नो, तो उसकी 300 से स्टार्ट होती है। अगर अच्छे लेवल पे आप उसको ले रहे हो, लाइक उसका आप ऑटो रिस्पॉन्डर भी यूज करना चाहते हो और उसको बहुत अच्छे से यूज करना चाहते हो, तो 300, 400, 500 एंड उससे बहुत ज्यादा बियॉन्ड, उससे और ज्यादा आप आगे जा सकते हो। तो ऐसे और भी बहुत सारे टूल है जो $100, $300 चार्ज करते हैं, बट उसमें एक ही टूल रहता है, या तो वो फनल बिल्डर रहता है, या तो वो ईमेल ऑटोमेशन रहता है, या तो वो वेबिनार प्लेटफॉर्म रहता है। बट यहाँ पर ऑल इन वन टूल में मैं सिर्फ लेस देन $70 पे करता हूँ एंड मुझे वो सारे टूल मिल जाते हैं, राइट। और प्लस ये बहुत ही अच्छा स्मूथ वर्क भी करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आई एम वर्किंग इन दिस, राइट। सो अब मुझे इसके बारे में पता चल गया, मैंने समझ गया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। एंड अब मान लो मेरा जो नीश है वो क्या है, मेक मनी ऑनलाइन, मतलब कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एंड उनको बहुत सारे सॉफ्टवेयर रेफर करता हूँ, बताता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर से आपका ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। तो जब मैंने इस टूल को ज्वाइन किया एंड मैंने देखा कि भाई हाँ, मुझे इस चीज़ से बहुत फायदा हो रहा है, ऑल इन वन टूल है, क्योंकि हर जो मार्केटर नया आता है उसके का बजट जो रहता है वो $100, $200, $300। सो गाइस, अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं आपसे याद दिला दूं कि आज का जो लाइक एम है वो 200 है, तो मेक श्योर आप 200 लाइक को कंप्लीट करें और कमेंट में मुझे लिखकर बताएं क्या मुझे और भी पार्ट जल्दी जल्दी लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, और आपको कैसी ये वीडियो लग रही है। कमेंट में अपने व्यूज जरूर शेयर करें, बिकॉज लाइक और कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। और अगर नए मेहमान हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को पूरा देखें, और अगर कोई आपका पार्ट मिस हो गया है आगे या पीछे का तो पूरे पार्ट को कंप्लीट करें। ये जो आप देख रहे हैं ये थर्ड पार्ट है इस सीरीज का, ओके, लेट्स गो। ज्यादा $500 तक का होता है, तो वो बहुत महंगे महंगे और अलग अलग टूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज यू नो टूल जो है वो पूरा बैकबोन है, एफिलिएट मार्केटिंग कह लो या डिजिटल मार्केटिंग कह लो, सबका बैकबोन होता है टूल। तो अगर मैं किसी नए मार्केटर को बोलता हूँ कि भाई तुम ऑटो रिस्पॉन्डर के लिए गेट रिस्पॉन्स का यूज करो, तो अब आप उसमें जाओगे देखोगे $100 आपको वहां पे करना है। फिर मैं बोलूंगा भाई तुम्हें फनल की भी जरूरत है, तो अब आप फनल बिल्डर को ही साथ ढूंढोगे, तो आप फनल बिल्डर लोगे, देन $100 वहां पर भी पे करोगे, $200 हो गया। अब आपको चाहिए कि भाई आपको कुछ अलग अलग टूल्स चाहिए, जो टूल्स आप यूज करके लोगों को बताओ कि भाई मेरी जो वेबसाइट है बहुत अच्छी है, मेरी जो लैंडिंग पेज है बहुत अच्छी है, तो सोशल प्रूफ लोगे आप, वो $20, $30 का हो गया। उसके बाद अगर आपको और मैं आपको बताऊंगा तो आप वीडियो होस्टिंग लोगे, देन आपको और मैं बताऊंगा तो आप वेबिनार के लिए लोगे, राइट। तो ऐसे करके कोई भी न्यूबी अगर स्टार्ट है तो ओवरऑल लाइक 500 या 400 तक तो वो सिर्फ टूल्स के पे करेगा, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, सॉल्व इसको इस टूल के जरिए किया जाए जिसका नाम बिल्डरल है, बिल्डरल ऑल इन वन डिजिटल मार्केटिंग टूल। तो आपको समझ में आ गया कि नीड यहां पर दिखी आपको कितनी बड़ी नीड है। अब मुझे मार्केट में दिखा कि भाई लोग जो है वो बहुत ज्यादा अपना कमीशन अर्न करने के लिए बोल रहे हैं क्लिक फनल को ज्वाइन करो, क्लिक फनल को ज्वाइन करो। ट्रस्ट में वो इसीलिए बोल रहे हैं, ओवरऑल वो इसीलिए बोल रहे हैं, राइट, कि क्लिक फनल को ज्वाइन करो, क्लिक फनल को ज्वाइन करो, क्लिक फनल को ज्वाइन करो। तो मुझे दिख गया भाई लोग बार बार क्लिक फनल क्यों बोल रहे हैं जबकि यहाँ पर टूल्स अवेलेबल है। लिसन, आप भी इस टूल को चेक कर सकते हो। मैं अपने आप से नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत अच्छा टूल है आपको ज्वाइन करना चाहिए, नो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। जस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, ऑल इन वन डिजिटल मार्केटिंग टूल करके डिस्क्रिप्शन में लिखा है, जाओ एक बार चेक करो इस टूल को, आपको खुद ही पता चल जाएगा, राइट। तो ये तो बात होगी टूल की, आप खुद ही चेक कर सकते हो। तो अब देखो जब मैं लोगों को बोलूंगा कि भाई ये वही टूल है जो आपको सारे टूल्स प्रोवाइड कर रहा है जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग में काम कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग में काम कर सकते हो, अब लोग आएंगे चेक करेंगे क्योंकि नीड है मार्केट की, तो भाई मार्केट में जरूरत है, अब उनको अच्छा लगेगा तो वो इस टूल को यूज करेंगे, इससे वो यूज करेंगे, इससे मैं उनको रेफर कर पाऊंगा और इससे मेरी एफिलिएट भी हो पाएगी, प्लस इसका मार्केट भी हो पाएगा, राइट। तो देखो मैंने कैसे समझा कि ये नीड है एंड इसको इसको आपको
और बताया भी कि भाई आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि मैं पहले से इसके बारे में समझ चुका था। फर्स्ट पॉइंट राइट, कि अंडरस्टैंड अबाउट योर प्रोडक्ट, तो मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में पता था भाई। फिर मुझे नीड दिखी एंड देन मैंने उसको मार्केट करना स्टार्ट किया। अभी मैं आपको इस वीडियो में भी सिखाने वाला हूँ कि आप भी कैसे रिसर्च कर सकते हो मार्केट का, राइट। तो देन मैंने उसको मार्केट करना स्टार्ट किया। आप देखो, बहुत लोगों को लग रहा होगा भाई आपने अंडरस्टैंड किया, समझा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपको नीड पता चला, देन इसका रिजल्ट क्या हुआ, राइट। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन अभी मन में होगा, तो मैं आपका क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व कर देता हूँ। सो गाइस, जितने लोग भी सोच रहे हैं कि मार्केट रिसर्च करने का फायदा क्या हुआ, तो अब मेरे चैनल पे जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आपको एक वीडियो दिखेगी, ये वाली और ये वाली जो मैं अभी आपको नीचे दिखा रहा हूँ। एक सेकेंड, मैं ढूंढ रहा हूँ वीडियो कहाँ गई, ये वाली राइट, ये वाली, सॉरी 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 सॉरी, गलत वीडियो बता रहा हूँ मैं, ये वाली। यहाँ पर मैंने बताया है कि मैंने कैसे 2.5 लाख से भी ज्यादा सिर्फ इस टूल से कमाया था 45 डेज में विथ फ्री ट्रैफिक एफिलिएट मार्केटिंग करके। क्यों कमा पाया था मैं, और मैंने इस पूरे वीडियो में बताया भी, आप ये वीडियो आके देख भी सकते हो, राइट। मैं ट्राई करूंगा कि आपको आई बटन में दे दूं या लास्ट में दे दूं, ये वीडियो आके आप जरूर देखना। आई मेड दिस अमाउंट जस्ट फ्रॉम फेसबुक एज एन एफिलिएट ऑन 2.5 लाख से भी ज्यादा विथ फ्री ट्राफिक, राइट। तो मैं ये कैसे कर पाया, जब मैं समझा कि भाई इस टूल की लोगों की जरूरत है, कंपटीशन भी कम है और लोग इसके लिए पे करने के लिए भी तैयार हैं, बिकॉज उनको ये टूल चाहिए ही चाहिए अगर वो एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, बिकॉज ये टूल बहुत सस्ता है, ऑल इन वन डिजिटल मार्केटिंग टूल है। आप भी इसका एफिलिएट कर सकते हो, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको चेक कर सकते हो, राइट। तो जब मुझे ये चीज समझ में आई, देन मैंने इसका मार्केट करना स्टार्ट किया एंड यू कैन सी द रिजल्ट कि फ्री ट्रैफिक से ही मैंने 2.5 लाख से भी ज्यादा 45 दिनों के अंदर अंदर इसे जनरेट करके यहाँ पर दिखाया है, राइट। तो ये होती है नीड और अपने प्रोडक्ट के बारे में समझना एंड देन उसको मार्केट करना। तो ये होता है रिसर्च, राइट। अब देखो, आप कैसे प्रोडक्ट्स का रिसर्च कर सकते हो वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक एजाइन आर्टिकल करके है, आप एजाइन आर्टिकल के अंदर आओ, यहाँ बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएगी आपको, राइट। अब किसी का मेक मनी ऑनलाइन है, तो किसी का बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, कोई नीस सब सब नीसेस की बात करो, किसी का हेल्थ है, राइट, किसी का रिलेशनशिप है, तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पर देखो, फाइनेंस के लिए मेक मनी ऑनलाइन या फाइनेंस बोल सकते हो, तो ये जो है इंश्योरेंस का आपके पास ऑप्शन है, राइट। एंड देन यहाँ पर आपके पास बिजनेस का ऑप्शन है, तो आप इनकी इन आर्टिकल्स में जाओ, जितने भी ये आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। लाइक अगर मैं बिजनेस में गया तो यू कैन से कि मार्केटिंग, इंटरव्यू एंड ऑल द थिंग्स, तो अगर मैं मार्केटिंग में जाता हूँ एंड मैं आपको अंदर दिखाता हूँ चीजें। सो गाइस देखो, जैसे कि मैं मार्केटिंग में गया, जैसे मैंने बिजनेस में क्लिक किया, मार्केटिंग सेक्शन में आया, तो यहाँ पर देखो लोग अलग अलग क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड उनके आंसर है, राइट। तो ये जो agineartical.com है, ये पूरा क्वेश्चन आंसर पे बेस रहता है। आप आके यहाँ पर पढ़ो अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो भी आपका प्रोडक्ट है जिसको भी आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको पता चलेगा कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, राइट। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका नीश है, पहले उस पर बहुत सारा रिसर्च करो, पढ़ो उसके बारे में कि कौन सी चीजें लोग पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहे हैं, एंड देन उसका आप एक लिस्ट क्रिएट करो, ठीक। सबसे पहले एजाइन आर्टिकल है, थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगा बट ये बहुत ज्यादा वर्किंग है। उसके बाद अगर आप चाहो तो क्योरा पे जा सकते हो। क्योरा पे अगर हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग ढूंढते हैं, लाइक यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग मैंने सेलेक्ट करके रखा है, हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग सर्च करता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हम लोग देखेंगे कि लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा है, और मैं बताता हूँ कि रिसर्च करने का और क्या तरीका है। और मैं ये भी बताऊंगा, अगर आप जेवीजू से प्रोडक्ट उठा रहे हो या किसी और वेबसाइट से प्रोडक्ट उठा रहे हो, तो कैसे आप रिसर्च कर सकते हो और कैसे उसकी नीड पता कर सकते हो, है या नहीं है, राइट। तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, ओके। तो देखो, यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग सेक्शन में है। अब आपको देखना है कि भाई लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट, कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं और क्या उनको रिप्लाई दिया जा रहा है। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप किस तरह का प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो एंड उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग चीजें दिखेंगी, बहुत सारे अलग अलग लोग पूछेंगे, लाइक हाउ डू यू ट्रैक एफिलिएट कन्वर्जन्स, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या अपॉर्चुनिटी दिखी जब इसने क्वेश्चन किया, हाउ डू यू ट्रैक एफिलिएट कन्वर्जन्स, तो आपको अपॉर्चुनिटी क्या दिखी, यू नो अपॉर्चुनिटी ये है, अपॉर्चुनिटी गाइज ये है कि अब आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कन्वर्जन्स को ट्रैक कर सके, राइट।
राइट। अब आपको क्या चाहिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कन्वर्जन को ट्रैक कर सके। अब मैं बोलूँ तो क्लिक मैजिक, राइट, क्लिक मैजिक के बारे में आपने सुना होगा, जो सीपीए एफिलिएट लिंक्स को ट्रैक करता है, तो वही है कि एफिलिएट कन्वर्जन को ट्रैक कर सकता है। तो अब अगर आप क्लिक मैजिक यूज कर रहे हो, नहीं भी यूज कर रहे हो, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके उसका एफिलिएट लिंक निकाल सकते हो एंड यहाँ पर आके अपना अच्छा खासा एक आंसर लिख कर अपना एफिलिएट लिंक दे सकते हो। अदरवाइज सिर्फ आपको ये आइडिया हो गया, हाँ भाई लोगों को इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है या इस तरह के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, तो आपने अपने लिस्ट में लिख लिया कि भाई मुझे इस तरह का प्रोडक्ट ढूंढना है जेवीजू से। जेवीजू क्या है, जेवीजू एक एफिलिएट नेटवर्क है जहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर मिलते हैं, राइट। आप jvju.com टाइप करोगे गूगल में तो मिल जाएगा। तो वहां पर आपने गए और वहां पर आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर ढूंढा जो एफिलिएट कन्वर्जन और बेसिकली लिंक्स को ट्रैक करता है एंड आपने उस सॉफ्टवेयर का लिंक निकाल दिया एंड देन आप उसके लिए रेडी हुए कि मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा। ऐसे करके आप बहुत अलग अलग चीजों को पढ़ोगे, डिमांड ढूंढोगे एंड उस पूरे प्रोडक्ट्स की लिंक बनाओगे, राइट। तो ऐसे करके आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का आइडिया मिलेगा। तो ये था दूसरा। अब तीसरा मैं बताता हूँ, गूगल ने बहुत अच्छी चीज निकाली है कि आप गूगल से पूछ सकते हो। लाइक यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग टाइप किया था, एफिलिएट मार्केटिंग एंड लास्ट, मैं फिर से आपके सामने करके दिखा देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया, आप नीचे आओ और यहाँ पर देखो लिखा है विच कैटेगरी इज द बेस्ट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। अब यहाँ कैटेगरी पूछ रहा है, तो ये आपको यहाँ पर अगर आपका कोई कोर्स है तो आप अपने कोर्स को बता सकते हो कि भाई आप कोर्स के थ्रू जाओ, या आप अपना कोई सा सॉफ्टवेयर है जो बताता है कि भाई ये कैटेगरी वो कैटेगरी के यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इनको इन प्रोडक्ट को आप सेल करके अर्निंग कर सकते हो। लाइक आप, मैं अगर उदाहरण दूँ तो डीजी स्टोर के बारे में आप यहाँ पर लिखकर अपना रेफर लिंक दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आए तो लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं हाउ डू आई बिकम अ मास्टर एफिलिएट मार्केटर, राइट। अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लाइक मैं एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, अच्छा हूँ, अब आप बताओ मैं अच्छा हूँ या नहीं, आप कमेंट में बताओ। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरा एफिलिएट मार्केटिंग का नॉलेज किस लेवल पे है, तो आप बताओ भाई मैं कमेंट कमेंट में कि मैं अच्छा हूं या नहीं हूं। सो मान लो हाउ डू आई बिकम अ मास्टर इन एफिलिएट मार्केटिंग, तो अब मुझे एक आइडिया मिला, हाँ भाई लोगों का ये क्वेश्चन है कि वो कैसे मास्टर करें एफिलिएट मार्केटिंग, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना कोर्स क्रिएट कर दिया, राइट। अगर आप मेरे कोर्स के बारे में नहीं जानते तो मैं फिर से बता देता हूं। सो गाइज, ये जो है ये मेरा कोर्स है, यू कैन सी, राइट। यहाँ पर मैं 2.8 लाख रुपीज के बोनसेस दे रहा हूँ। बोनस क्या है वो भी मैं दिखा देता हूँ। दो ऐसे कोर्स, ऐसे बड़े गुरुज के कोर्स, इंटरनेशनल कोर्स, जिनकी कीमत 1.3 लाख एंड 1.5 लाख रुपीज है, जिसमें एवरी एड्स का प्रो लेवल का, एक प्रो गुरु का जो इंटरनेशनल गुरु है, जिसकी रियल वैल्यू, रियल कीमत जो है 1.3 लाख रुपीज है, जिस कोर्स को मैंने लिया था, मैंने सीखा बहुत पहले, अब मैं उसको बोनस में यहाँ अपने कोर्स के साथ ऐड कर चुका हूँ। मेरा जो कोर्स है वो पूरा एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर है, जिसमें मैं दो और बड़े कोर्स दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम ग्रोथ एंड मोनेटाइजेशन का और प्लस FB ऐड का फुल प्रो कोर्स। तो ये जो बड़े बोनसेस हैं एंड मेरा पूरा कोर्स, तो ये जो कोर्स मैंने बनाया, राइट, जब मार्केट में देखा कि नीड है, लोग सीखना चाहते हैं एंड यू कैन सी कि लोग, मेरे जो लोग हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं, दे आर गेटिंग फास्ट रिजल्ट्स, राइट। इन्होंने 6 सेल जनरेट किया है जस्ट फ्रॉम माई कोर्स, राइट, और बहुत ही जल्दी। एंड आप यू कैन सी कि लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 48 आवर्स में, जस्ट 48 आवर्स में इन्होंने $237, मतलब कि मान के चलो 18,000 रुपए तक की इनकी अर्निंग हुई है, राइट, सिर्फ 48 आवर्स में। तो ऐसा मेरा एफिलिएट मार्केटिंग का जो कोर्स है उसका रिजल्ट है। तो वो कैसे मैंने समझा कि नीड है, ऐसी ही चीज़ों को देखकर, मार्केट को एनालाइज करके। ऐसे ही आपके लिए भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको सजेस्ट करेंगे कि मुझे इस प्रोडक्ट का काम करना है, इस प्रोडक्ट पर काम करना है, राइट। तो ऐसे करके आप गूगल का क्वेश्चन एंड आंसर भी आके पढ़ सकते हो। यहाँ व्यू मोर करोगे तो आपको और भी बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस नजर में आएंगे। अब यहाँ पर देखो लिखा है कैन आई डू एफिलिएट मार्केटिंग ऑन ब्लॉग, यस यू कैन डू, बट अगर आप हमेशा ब्लॉग पर डिपेंड रहोगे तो ब्लॉग पे कब ट्रैफिक आएगा, कब लोग आपसे खरीदेंगे, ये सब ओल्ड मैथड हो चुका है, राइट। तो अब आप इनको क्या सजेस्ट कर सकते हो, भाई ब्लॉग का जमाना गया, अब आप फनल से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, फनल बनाकर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, राइट। अब आप इनको ये सजेस्ट करोगे तो उसके लिए आप कौन सा प्रोडक्ट लेके आ सकते हो, आप ये प्रोडक्ट लेके आ सकते हो, राइट। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास दिमाग में आया कि भाई बिल्डर जो है, बिल्डर में फनल बनाया जा सकता है
और ब्यूल्डरल से आप क्या कर सकते हो, अब इनको रेफर कर सकते हो, इनको एज एन एफिलिएट ये ब्यूल्डरल का लिंक प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई तुम इस टूल को चेक करो, यहाँ से आप बहुत ही अच्छे से फनल तैयार कर सकते हो एंड फनल के थ्रू आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको प्रोडक्ट का आइडिया होता है, यू नो कि ये जितने भी मेरे लैंडिंग पेजेस हैं, मेरे कोर्सेस के, मेरे जो भी कोर्सेस हैं, ये सारे ब्यूल्डर पे मैं बनाता हूँ। तो आप समझ सकते हो कि ब्यूल्डर कितना अच्छा ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है, राइट। तो आप उसको भी मार्केट कर सकते हो, ऐसे आपको आइडिया मिलेगा अपने बेस्ट प्रोडक्ट चॉइस करने का। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि और आप कहां पर चीजें जाके फाइंड कर सकते हो, तो आप जा सकते हो फेसबुक ग्रुप्स पे, राइट। फेसबुक ग्रुप पे जाकर आप देख सकते हो कि भाई क्या लोग पूछ रहे हैं, लोगों की कैसे मदद की जा सकती है, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, राइट। आप जाके वहां पर अच्छी सी चीजों को पता कर सकते हो एंड अपने प्रोडक्ट के बारे में एक आइडिया लगा सकते हो कि मैं कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में उठाऊंगा तो वो मैं अच्छे से रेफर करके अच्छी अर्निंग कर पाऊंगा, राइट। तो सबसे पहला तरीका ये है, लाइक मेरा ये एफिलिएट मार्केटिंग का एक ग्रुप है, यू कैन सी एफिलिएट मार्केटिंग लर्न सीपीए मार्केटिंग एंड मार्केटिंग बाय तौहीद अहमद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहे हैं, ऑल द थिंग्स, राइट। यहाँ ज्यादातर मेरे ही पोस्ट आपको दिखेंगे, तो आप वो सारी चीजें आके देख सकते हो। अलग अलग और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहां पर जाके चीजों को पढ़ो और रिसर्च करो। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि सर चलो आपने बता दिया कि ऐसे करके हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हम कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो वो बहुत अच्छे से प्रमोट होगा, एज जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है अपने बिल्डर का, कि मैंने कैसे बिल्डर को समझा कि इसकी बहुत ज्यादा नीड है एंड उसको प्रमोट किया। ऐसे ही अगर आपके दिमाग में अब आ रहा होगा कि आपने बता दिया सर कि ऐसे करके मैं, मेरे को एक प्रोडक्ट का आइडिया लग जाएगा, मैं उस प्रोडक्ट को ढूंढ लूंगा और प्रमोट करूंगा, बट अगर मैं जेवीयू पे जाता हूँ और वहां पर कोई प्रोडक्ट को देखता हूँ तो उसका मार्केट रिसर्च कैसे करूंगा, राइट। ये आइडिया होगा आई थिंक आपके दिमाग में, लेट मी नो इन द कमेंट्स यस और नो, ये आपके दिमाग में आया कि नहीं आया। अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो गए, आपने कभी ट्राई किया होगा तो जरूर ये आइडिया आपके दिमाग में आया होगा, या आपके दिमाग में ये आया होगा कि क्लिक बैंक का अगर कोई प्रोडक्ट मैं चॉइस करता हूँ तो उस पर रिसर्च कैसे करूंगा। देखो बहुत ज्यादा ईजी है, वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि जो टॉप का प्रोडक्ट है सेल हो रहा है, मतलब कि उसमें कॉम्पिटिशन ज्यादा है, राइट। मतलब कि उसकी नीड भी है, मतलब कि उस पर ट्राफिक भी आ रहा है। तो आपको मैं एक टूल बोलूंगा, इस टूल का यूज कर सकते हो आप, जिसका नाम है सिमिलर वैब। सिमिलर वैब आपको क्या बताएगा, जैसे कि मैं ये जो बोर्ड यूज कर रहा हूँ, जो आप सामने देख रहे हो, जिस बोर्ड पे लिखा है अंडरस्टैंड अबाउट योर प्रोडक्ट, तो ये बोल रहा है कि इसके मंथली विजिटर जो है 1.4 मिलियन है, राइट। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे ये पता चला कि भाई इस पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, इसकी डिमांड कई ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, राइट। पेज विजिट पर पेज विजिट आप देख सकते हो, बाउंस रेट आप देख सकते हो कि 36% बोल रहा है बाउंस रेट है, राइट। तो अब मुझसे ये समझ में आ गया भाई मुझे कि इसका जो पेज व्यू है, इसकी जो डिमांड है वो नेक्स्ट लेवल पे है। इसमें कंट्री शो कर रहा है कि भाई यूनाइटेड स्टेट में ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, फिर उसके बाद पोलैंड में, फिर उसके बाद रूसिया, रूसिया में, रूशियन में, एंड देन उसके बाद इंडिया में, एंड देन उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में। मतलब कि भाई इस बोर्ड का डिमांड बहुत ज्यादा है। ऐसे ही आप क्या करोगे, जब जेवीयू में जाओगे, जब और भी अलग अलग प्रोडक्ट को आप चुनोगे, सबसे पहले तो आपको टॉप के कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिनसे आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ इन प्रोडक्ट्स का डिमांड है मार्केट में, बट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अब आप क्या करोगे, ऐसे ही करके सिमिलर वैब में, सिमिलर वैब को उनके लैंडिंग पेजेस पे खोलोगे एंड आपको पूरा डाटा वहां पर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर अभी मुझे मिल रहा है। आई थिंक आप पूरा सिमिलर वैब अभी देख नहीं पा रहे होगे, राइट। मैं थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ, राइट। नाउ आई थिंक यू कैन सी, राइट। सो अब अगर अगर आपको अभी सिमिलर वेब दिख रहा है, सो लेट मी नो इन द कमेंट, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सो अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, तो जैसे ही मैंने इस सिमिलर वेब को इस पेज पे खोला तो मुझे पूरा डाटा इस पेज का मिल गया। ऐसी अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पे जाओगे, वहां पर आप जैसे ही सिमिलर वेब को खोलोगे तो पूरा डाटा आपको निकाल के दे देगा। तो अब आपको कौन से प्रोडक्ट उस उन साइट से चुनने हैं, यहाँ पर मैं लिख कर बता रहा हूँ। देखो सबसे पहली क्वालिटी ये कि हाई कंपटीशन, ठीक है, HC लिख दे रहा हूँ। हाई कंपटीशन में जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो बिल्कुल टॉप पे रहते हैं, क्लिक बैंक में, जेवीयू में, एंड जो भी आप साइट यूज करो वहां पर पता चल जाता है, ठीक। तो जो एकदम हाई कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट है उनको आपको चॉइस नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है उनको चॉइस, आपको नहीं करना है। आपको सेकेंड लेवल का प्रोडक्ट को उठाना है, सेकेंड लेवल का या थर्ड लेवल का मैं बोलूँ तो, ठीक है, थर्ड पे जो है या सेकेंड पे, एंड उनका आपको मार्केट रिसर्च करना है कि कितना उन पे ट्रैफिक आ रहा है,
और कौन कौन से लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट कैसे कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा, गूगल में आपको जाना है, मान लो आप बिल्डर में लिखता हूँ कि मैं बिल्डर को प्रमोट कर रहा हूँ, बिल्डर लिखना है। अब जैसे बिल्डर आप लिखोगे, सॉरी न्यूल्डर लिख दिया मैं, बिल्डर लिखता हूँ इसको, तो अब जैसे बिल्डर लिखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग लोग दिख जाएंगे। सबसे पहले तो बिल्डर का ही यहाँ पर वो लगा हुआ है, ऐड लगा हुआ है, देन उसके बाद कोई और है जो बिल्डर को प्रमोट कर रहा है यहाँ पर, उसने भी ऐड लगा के रखा है, देन उसके बाद कोई और भी है जो बिल्डर को प्रमोट कर रहा है, उसने भी यहाँ पर ऐड लगा के रखा है, राइट। तो अब आपको पता चला कि भाई बिल्डर को भी बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज दिख रहा है कि बिल्डर के ऊपर कुछ लोग क्योरा में क्वेश्चन भी कर रहे हैं, यूट्यूब में वीडियोस भी आ रही हैं, यहाँ बहुत सारी डजन ऑफ वीडियोस भी हैं यूट्यूब में। तो अब इससे आपको पता चला कि भाई हाँ, बिल्डर को प्रमोट किया जा रहा है, एक आइडिया आपको मिल रहा है। देन उसके बाद आप देखोगे कि भाई इसका मार्केट रिव्यू क्या है, अच्छा चल रहा है, कॉम्पिटिशन ज्यादा है या नहीं है, कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है नहीं है, क्योंकि और भी इसके जैसे टूल्स हैं जिनको लोग प्रमोट कर रहे हैं। अब ये लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, कम प्राइस में ज्यादा चीज दे रहा है मतलब कि बेनिफिशियल है, राइट। तो ऐसे करके आपका पूरा एक प्रोडक्ट का रिव्यू होगा। कभी भी एकदम ज्यादा जिसका कंपटीशन है ना, उसमें अगर लेट से घुसोगे, मतलब कि वो पहले से लोग प्रमोट कर रहे हैं और उसमें आप लेट से घुसोगे, तो आप मुंह की खाओगे, मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे मार्केटर्स ऑलरेडी उसको प्रमोट कर रहे हैं, एंड देन यू आर गेटिंग द एंट्री इन दैट प्रोडक्ट। सो आप लूज करोगे पैसे को बहुत ज्यादा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप मार्केट करके, काफी अच्छा मार्केट करके, और भी जो मार्केटर्स हैं उनको डोमिनेट कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, ऑन एवरेज है, एंड यू कैन स्टार्ट मार्केटिंग, यू वॉन्ट टू स्टार्ट मार्केटिंग, तो आपको सही प्रोडक्ट चुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो हाई लेवल कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट है उनको आप मत चुनो, सेकेंड या थर्ड पे आओ, उनको देखो जहाँ कॉम्पिटिशन कम है। अब जो थर्ड चीज मैंने बोली थी कि मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, राइट। तो अब मान लो आपको पता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर हैं जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल पे वो लेके गए हैं, और ये थोड़ा सा एक ऐसा आइडिया है जो आप करके काफी अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग से। मान लो मुझे एप्पल का कोई फोन पसंद, राइट, या तो मुझे पसंद है, राइट, ये पेन पसंद, राइट, इस पेन को देखो, ये पेन पसंद है। अब ये पेन किसकी है, क्या नाम है इसका, आई डोंट नो किसकी, राइट, पता नहीं, नाम भी मिट गया। तो मान लो कोई सा पेन है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और मान लो या तो कोई सा ट्रिमर है, ठीक है, ट्रिमर निकालता हूँ, ट्रिमर टाइप करते हैं, ये ट्रिमर है, ठीक है, ट्रिमर है, फिलिप्स का ट्रिमर, राइट। तो अब मुझे मान लो फिलिप्स का ट्रिमर जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है, एंड मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ ऐसे ट्रिमर को यूज करना। या मान लो मुझे कोई बाइक पसंद है, सुपर बाइक बहुत ज्यादा पसंद है, या मान लो मुझे कोई गेम पसंद है, गेम का सेटअप जो PS4 और आता है वो पसंद है, या मान लो मुझे कपड़े बहुत ज्यादा पसंद है, राइट। तो ये जो चीजें हैं, कैटेगरी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ के, मतलब कि ये जो है इस प्रोडक्ट का, मान लो ये फिलिप्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, अब मैं फिलिप्स पे जाता हूँ, राइट, इस प्रोडक्ट पे जाता हूँ, तो अब मुझे ये चीज पता है कि भाई मुझे ये जो प्रोडक्ट है ना बहुत ज्यादा पसंद है। क्या पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक ब्लॉग क्रिएट करूंगा, क्या क्रिएट करूंगा, एक ब्लॉग, और अब मैं क्या करूंगा उस ब्लॉग पे मैं सिर्फ बात करूंगा किसकी, ट्रिमर की, और मैं उस ब्लॉग को क्या करूंगा पूरा ट्रिमर से भर दूंगा, क्या करूंगा पूरा ट्रिमर से भर दूंगा, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रिमर्स उस ब्लॉग पे मैं लगा दूंगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रिमर मैं उस ब्लॉग पे क्या करूंगा लगा दूंगा। अब क्या होगा, जब भी कोई ट्रिमर सर्च करेगा, मान लो यहाँ पर मैंने ट्रिमर सर्च किया, तो आपकी जो वेबसाइट है वो ऊपर में आएगी, राइट। ऐसी अगर आप देखोगे हेडफोन्स, राइट, हेडफोन्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं किसी एक प्रोडक्ट की, राइट, वो ब्लॉग बना लेते हैं और क्या करते हैं उस ब्लॉग में पूरा हेडफोन भर देते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जो मोबाइल का कवर, जो मोबाइल का ये कवर होता है ना, ये सेल करते हैं, राइट, कवर, ये मोबाइल का पीछे का जो कवर रहता है वो सेल करते हैं। ऐसी बहुत सारे आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो सिर्फ एक ही तरह का मोबाइल सेल कर रहे हैं, जो आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जो परफ्यूम सेल कर रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये खुद का प्रोडक्ट है तो वो अपनी पूरी वेबसाइट बनाए हुए हैं एंड सेलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खुद का प्रोडक्ट नहीं है, वो क्या करते हैं मार्केट से टाई अप कर लेते हैं,
मतलब कि अगर आप किसी भी साइट पे जाते हो, किसी भी वेबसाइट पे, तो वो आपको एक ऑप्शन देती है और वो ऑप्शन होता है एफिलिएट मार्केटिंग करने का। हर साइट आपको एक ऑप्शन देगी कि भाई आप मेरे साइट का एफिलिएट मार्केटिंग करो और आप जितने भी कस्टमर लेके आओगे उसका आपको हम कुछ अमाउंट देंगे, कुछ कमीशन देंगे। तो अब कुछ एफिलिएट मार्केटर्स क्या होते हैं, वो मार्केट रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की जरूरत है। अब मान लो आप बहुत ज्यादा रिसर्च करोगे और आपको पता चला कि अभी एक नए बल्ब आ रहे हैं जिनको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, राइट? तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ रिमोट बल्ब, RIMOT बल्ब, अब मैं लिखता हूँ रिमोट बल्ब, तो आपको पता चला कि भाई ऐसे बहुत सारे बल्ब आ रहे हैं जिनको रिमोट से आप कंट्रोल करके आप मतलब उनकी लाइट्स को चेंज कर सकते हो, अलग अलग लाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। तो आपको दिखा कि भाई ये एक नया ट्रेंड आ रहा है। अब सब यही मत करने लग जाना, ठीक है? आपको अलग अलग चीजों का रिसर्च करना है, प्रोडक्ट को सर्च करना है, सॉरी रिसर्च करना है, एंड देन उसका उस प्रोडक्ट का एफिलिएट करना है। तो अब आपको पता चल गया भाई कि इस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा डिमांड है, तो अब आप क्या करोगे, एक एफिलिएट करके एक एफिलिएट साइट बनाओगे जिसमें आप कुछ रिव्यू लिख दोगे, 3-4 पैराग्राफ, एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, ये पूरे बल्ब को, राइट, अगर आप चाहो तो अमेजोन से भी इनका एफिलिएट कर सकते हो, अब पूरे बल्ब को वहां पर लिस्ट कर दोगे जैसे कि आपको अमेजोन की साइट पे दिखता है, पूरे बल्ब को लिस्ट कर दोगे। ओके, अब लिस्ट कर दोगे एंड उसका आप एड चलाओगे, जैसे कि यहाँ पर देखो रिमोट बल्ब एट अमेजोन, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आपको डजन ऑफ बल्ब दिख जाएंगे, ठीक है? ये मैं इस बिजनेस का एक फेस बता रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते इस बिजनेस का कितना बड़ा फेस हो सकता है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर पूरे बल्ब दिख रहे हैं, बल्ब दिख रहे हैं, ऐसे ही करके आप अपनी भी साइट क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ एक प्रोडक्ट की बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में काम करेगा। अगर आप चाहोगे कि मल्टीपल प्रोडक्ट वहां पर मैं डालूं तो काम नहीं करेगा, राइट? इसकी भी बहुत सारी वजह है जिनमें मैं डीप नहीं जाना चाहता अभी फिलहाल, कभी और जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पूरा बल्ब दिखेगा, ऐसे ही आप अपनी भी पूरी एक साइट बना सकते हो जिसमें आपको पूरा बल्ब दिखे। अब क्या कर सकते हो आप भाई, पहले तो आप इनका एड लगा के ऑनलाइन एफिलिएट कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, जिन जगह पे जिन स्टोर्स में इन बल्ब की जरूरत है, आप उन स्टोर्स में जाओ, अपनी साइट दिखाओ कि भाई मैं इस साइट पे ये पूरे बल्ब बेचता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आपको बहुत ज्यादा बल्ब अपनी साइट से दिलवा सकता हूँ, ठीक है? अब आप क्या करोगे, उसको बोलोगे भाई तुम मेरी साइट से परचेस करो, कुछ ऑफर ऑफर डाल दो। अब वो बंदा आपकी साइट से परचेस करेगा बिकॉज ये डिमांड में है, लोगों तक नहीं पहुंच रही है अभी, डिमांड में है, तो आप इसको दुकान दुकान तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि उनको भी ये सारी चीजें बेचना है, ठीक है? ये एफिलिएट का एक बहुत बड़ा फेस बता रहा हूँ आपको, अगर आप ऐसे काम करोगे एफिलिएट मार्केटिंग में, सो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, राइट? बहुत सारे लोग करते हैं बट बताता कोई नहीं है, बिकॉज प्रोडक्ट का जो बोलते हैं आइडिया है ना, वो चोरी हो जाता है, एंड देन बहुत सारा कंपटीशन आ जाता है, इसलिए लोग बताते नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसी वेबसाइट्स को ओन करते हैं, राइट, एंड देन उस वेबसाइट से वो लाखों रुपए की अर्निंग करते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, जाके इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताओगे कि भाई ये प्रोडक्ट है, अलग अलग शॉप से भी बताओगे, अपनी साइट दिखाओगे, अगर आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हो, एंड आप इसका इसको सेल कर सकते हो अच्छे अमाउंट पे। अब क्या होगा, वो जो दुकान वाला है वो भी खरीदेगा, जो आप ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हो वो भी खरीद रहा है, ऐसे करके आपकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ेगी और आप एफिलिएट मार्केटिंग करते करते एक ऐसी कंपनी खोल लोगे जहां से आप हर प्रोडक्ट का एफिलिएट करवाओगे अपने ट्रैफिक के थ्रू और इसी बिजनेस मॉडल के थ्रू। तो मैंने आपको दो चीज आज की वीडियो में बताई है, दोनों चीजों को समझो कि मैंने आपको क्या बताया, पहला मार्केट रिसर्च और दूसरा आप साइड बाय साइड एक ऐसी कंपनी बिल्ड कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग की जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हो। बट मेन जो चीज हम लोग बात किए हैं, मार्केट रिसर्च, आपको हर प्रोडक्ट का मार्केट रिसर्च करना है, ऐसे ही देखना है उसकी नीड है या नहीं है मार्केट में। और ये जो मैंने आपको ब्लॉग वाला जो आइडिया दिया है, ये आइडिया तभी काम करेगा जब आप कुछ यूनिक प्रोडक्ट के साथ आओगे जिसका सर्च रिजल्ट बहुत कम होगा। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो सारे यहाँ पर जो है कंपनीज हैं, तो यहाँ पर एक आपको मौका है कि आप इस पे भी काम कर सकते हो एंड इसका आप काफी अच्छा खासा एडवांटेज उठा सकते हो, बिकॉज जब आप एड लगा दोगे इसमें तो वो एड आपको सीधा लेके यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि 1, 2 और 3 नंबर पे। तो जब लोगों को दिखता है कि कोई बंदा उधर से, मतलब कि कोई आदमी उनको बता रहा है कि भाई ये बल्ब बहुत अच्छा है और
बता रहा है कि ये बल्ब का डिमांड बहुत अच्छा है, यूज में बहुत अच्छा है, रिव्यू काफी अच्छा आप दे रहे हो, तो पीपल ट्रस्ट ऑन पीपल, मतलब कि लोग लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। तो जब आप खुद ही वहां पर बताओगे कि भाई ये बल्ब है बहुत अच्छा है, रिव्यू अच्छे लिखोगे, तो लोग आपकी साइट से जाके बल्ब को यू बाय करेंगे, राइट, वो वहां पर अमेजोन को स्किप करेंगे, बिकॉज पीपल लव्स पीपल, पीपल ट्रस्ट पीपल, राइट। तो ये यहाँ पर एक एडवांटेज मिल जाता है। तो आपको समझ में आया कि मैंने इस वीडियो में क्या बताया है, मेक श्योर आप मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछो। वीडियो का जो हम लोगों ने टारगेट रखा है 200 लाइक आई वांट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझो तब आप अच्छे से एफिलिएट मार्केटिंग में आगे बढ़ पाओगे। और अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है तो मेरा कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में वेट कर रहा है, और आप बिल्डर को भी चेक कर सकते हो, अगर आपका नीश मेक मनी ऑनलाइन है तो आप बिल्डर को चेक करो, इसको भी आप प्रमोट कर सकते हो, नीचे है फ्री में रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हो, राइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं सारे डाल दे रहा हूँ, ओके। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, और आपको पता ही है कि 200 लाइक एम है, अगर जल्दी जल्दी आप लाइक लाएंगे तो जल्दी जल्दी वीडियोस भी आएंगी, और आपका लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहें और चैनल की वीडियोस को सही से देखें, सही से अप्लाई करें, बिकॉज अगर आप अप्लाई नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ वन पैनी। तो अप्लाई करना पड़ेगा, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ वन पैनी। तो मेक श्योर आप अप्लाई करो, मेहनत करो, और देखो रिजल्ट आपके पास आएगा ही आएगा। और अगर आपको ज्यादा सीखना है तो आपको पता ही है कि मेरा एक एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है, जिसके जो सबसे बड़ा फायदा वो है कि आप मेरे टच में रहते हो, आप मेरे प्राइवेट ग्रुप में रहते हो, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे प्रो लेवल के कोर्स मैं आपको देता हूँ। तो आप जाके उस कोर्स को जरूर ट्राई करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और ट्रस्ट मी, वहां पर मैं आपको जो दो बोनसेस दे रहा हूँ ना, वो आप एफोर्ड नहीं कर सकते इंडिया में, अगर आप चाहते हो कि आप 10-20-30 हज़ार रुपए के कोर्स में वो चीज आपको मिल जाए, क्योंकि उसकी कीमत 2.8 लाख रुपीज है, जो आपको मैं बोनस में दे रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, जस्ट जाओ चेक करो, और नए मेहमान हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सी नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।